इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब के फुटनोट के बारे में जानेंगे। तो फुटनोट जानने के लिए सबसे पहले हम फुटनोट के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या होता है। हम बहुत सी बुक्स और मैगजीन में देखते हैं कि वहाँ पर किसी वर्ड में नंबर दिया होता है, उस वर्ड के पेज के नीचे उसका मीनिंग दिया होता है या डॉक्यूमेंट के अंत में उसका मीनिंग दिया होता है। तो ऐसा हम फुटनोट और एंडनोट के द्वारा कर सकते हैं ताकि लोगों को उस वर्ड का मीनिंग का पता चल सके। जो फुटनोट होता है ये पेज के नीचे होता है और जो एंडनोट होता है वो डॉक्यूमेंट के सबसे अंत वाले पेज में पेज के नीचे होता है। तो इसको समझने के लिए किसी वर्ड के पीछे क्लिक करते हैं जी, पॉज करो। ये जो हमारा पूरा ये इसके इस वर्ड को समझने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम रेफरेंस टैब के फुटनोट पे जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट फुटनोट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके हमारे पास ये पेज के नीचे यहाँ पे नंबर वन आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये फुटनोट। तो इसको बोलते हैं फुटनोट। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये बाय एसियन टेक्स्ट, ये जो नंबर वन आ गया ये, यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, ये है क्या ये। तो इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं माई यू माई यूट्यूब चैनल। तो ये हमने लिखा कि ये है क्या ये बायस ज्ञान टैग। तो यहाँ पे मैंने लिखा माई यूट्यूब चैनल। तो ये लिखा मैंने। ये लिखने के बाद यहाँ पे लिखा, अब हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये देखो हमारे पास ये नंबर वन, इसके ऊपर ये यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे शो कर रहा है ये माई यूट्यूब चैनल। तो ये आ जाएगा। तो बायस ज्ञान टैग अब हम समझ सकते हैं कि ये है क्या ये। तो ये एक यूट्यूब चैनल है। तो इसके बाद अगर हम ये दूसरा हमारा, जैसे ये हम यहाँ पे ये लिखते हैं ये एम एस का मतलब क्या है। तो हम इसके पीछे ये हमारा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड के पीछे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट फुटनोट पे जाएंगे। ये देखो इंसर्ट फुटनोट, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने आप ही टू आ जाएगा। टू आ जाएगा मतलब ये हमारा फुटनोट सेकंड है। तो एम एस का यहाँ पे मीनिंग हमने लिख रहे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट। मैंने ये लिखा ये एम एस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे मैंने लिखा। तो अब जैसे ही हम एम एस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एम एस का मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो ये देखो हम जैसे ही यहाँ पे जाएंगे ये हमारा एम एस है। ये यहाँ पे क्लिक किया तो इसके ऊपर ये देखा हमारा ये आ गया ये एम एस का जो मीनिंग होता है ये माइक्रोसॉफ्ट होता है। तो ये जैसे ही हम ये फुटनोट आगे देखते हैं ये अपने आप ही यहाँ पे इसका मीनिंग बताता है। इसके बाद स्क्रॉल करो ये पीसी का मीनिंग हमने अगर लिखना है तो ये अपने आप ही ये जैसे हमारे ये पहला ये जो पीसी है, अगर हम ये करेंगे तो ये हमारी जो नीचे फुटनोट की पोजीशन है ये पोजीशन थर्ड में नहीं आएगा, इसको आप ऑटोमेटिकली ये पोजीशन सेकंड में लेगा। और ये एम एस ये जो है पोजीशन थर्ड में आ जाएगा। ये देखो करके देखते हैं ये यहाँ पे हमने पीसी यहाँ पे पीछे क्लिक किया ये यहाँ पे क्लिक करते ही ये देखो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट फुटनोट। ये देखो ये अब अपने आप ही पीसी जो है ये देखो ये हमारा ये एम एस ये हमारा पहले दूसरा था, अब ऑटोमेटिकली ये
तीसरा आ गया, जैसे ही हमने इंसर्ट फुट नोट किया तो ये जैसे जैसे आ रहा है ये पीसी सेकंड पोजीशन में आ गया। तो अब यहाँ पे हम पीसी जैसे यहाँ पे इसका क्या लिखना है, ये पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पे हमने लिखा पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे कि ये पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर है कि नहीं, तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो इसके ऊपर ये पर्सनल कंप्यूटर पीसी के लास्ट में हम जब यहाँ पे जाएंगे तो ये अपने आप ही बताएगा कि ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो हमने पीसी को पर्सनली रखना है, तो हम यहाँ पे इसको कंप्यूटर को डिलीट करते हैं। ये देखो जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, ये डिलीट करने के बाद यहाँ पे जब दोबारा जाऊँगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये पीसी का मतलब ये पर्सनली रह जाएगा। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अब, तो ये पर्सनल, ये ऊपर आ रहा है ये पर्सनल। तो इस प्रकार हम यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा इंसर्ट फुटनोट, जैसे कैसे इंसर्ट करना है ये। तो इस प्रकार हम इंसर्ट फुटनोट, अगर इसमें पीसी में अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा ये पर्सनल कंप्यूटर यही बने, तो हम फिर से यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, नीचे हम जाएंगे फुटनोट के ऊपर और यहाँ पे लिख देंगे फिर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर। तो फिर से अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो ये देखो हमारा ये बन जाएगा ये पर्सनल कंप्यूटर, ये देखो पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इंसर्ट फुटनोट के बाद हमारा अगला है ये नेक्स्ट, ये हमारा एंड नोट। एंड नोट के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये देखो हम कुछ यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये माउस, माउस जो है ये हमारे एंड नोट में आए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लास्ट में क्लिक करेंगे, ये लास्ट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये लास्ट इंसर्ट एंड नोट। तो एंड नोट में क्या आएगा, ये जो हमारा लास्ट का पेज आएगा उसमें आएगा ये माउस की जो मीनिंग है वहाँ पे आएगा, माउस क्या है ये जो मीनिंग बताएगा ये लास्ट वाला पेज उसके लास्ट में बताएगा। तो ये देखो जैसे ही हमने यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक किया, ये देखो हमारे डॉक्यूमेंट का जो लास्ट पेज है ये देखो, इसके बाद कोई भी पेज नहीं है, तो लास्ट वाले पेज में ये आ जाएगा कि माउस क्या है। तो माउस यहाँ पे मैं लिखूँगा ये इनपुट डिवाइस, माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो ये आ गया, ये कहाँ पे आई, ये इंसर्ट एंड नोट मतलब डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में, लास्ट वाले पेज में ये आएगा, उसको बोला जाता है एंड नोट। तो इसके बाद जैसे ये मैंने लिया, इसके बाद ये अगला इसे यहाँ पे देखो, ये एक माउस हो गया, माउस के बाद जैसे मैंने और भी यहाँ पे मीनिंग लिया कुछ, जैसे सेकंड ये साइन, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसका मीनिंग बताने के लिए, अगर मैंने इसका मीनिंग बताना है तो मैं फिर इंसर्ट एंड नोट यहाँ पे जाऊँगा, ये जैसे ये लिखो इंसर्ट एंड नोट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने पे अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेकंड यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये सिग्नेचर, तो ये मैंने यहाँ पे साइन के लिए यहाँ पे सिग्नेचर ये मीनिंग इसका लिखा, ये तो ये यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब जैसे ही मैं साइन के ऊपर क्लिक करूँगा ये सिग्नेचर यहाँ पे बन के आ जाएगा, ये देखो सिग्नेचर। तो इस प्रकार हम ये हमारा फुटनोट और एंड नोट इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा फुटनोट जो हुआ ये पेज के लास्ट में हुआ, और जो हमारा एंड नोट है ये हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट जो पेज होता है वहाँ पे आता है। तो अगला है हमारे पास नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट फुटनोट जैसे ये देखो हमारा ये हमने पहले पेज पे यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे
नेक्स्ट फुट नोट यहाँ पे क्लिक किया जी, ये देखो अगला इसके बाद टैग के बाद अगला जो है हमारा फुट नोट ये है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रीवियस देखना चाहते हैं, इसके प्रीवियस कौन है ये, तो ये हमारा प्रीवियस पिछला जो है ये हमारा फुट नोट ये है। अगला देखना है तो ये देखो नेक्स्ट फुट नोट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट फुट नोट ये हमारा पीसी आया है। तो इसी प्रकार अगर हम देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट एंड नोट कौन सा है ये हमारा, तो जो लास्ट वाला पेज है जहाँ पे हमने वर्ल्ड का मीनिंग लिखा हुआ है वो आ जाएगा। ये देखो नेक्स्ट एंड नोट, ये देखो हमारा नेक्स्ट एंड नोट ये हमारा माउस है। ये देखो पेज के सबसे लास्ट में ये हमारा माउस है, इनपो डिवाइस ये लिखा था हमने। इसके बाद हमारा ये जैसे प्रीवियस एंड नोट, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो हमारा माउस है ये, तो माउस। इसके बाद नेक्स्ट करना है तो ये नेक्स्ट कर दिया, ये अगला आ जाएगा ये देखो साइन, साइन क्या है हमारा नेक्स्ट एंड नोट है। अगर हमने पीछे जाना कि ये जो साइन है साइन के पीछे क्या था एंड नोट, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रीवियस एंड नोट, ये देखो प्रीवियस एंड नोट ये पीछे जो है ये एंड नोट हमने लिखा था वो लिखा था माउस का, तो ये आ जाएगा। तो ये करने के बाद हमारी अगली जो कमांड है शो नोट, तो शो नोट्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब क्या नोट्स हमने शो करने हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक में लिखा हुआ है व्यू फुट नोट एरिया। अगर हम फुट नोट एरिया लिखने जाते हैं तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, अगर व्यू एंड नोट एरिया तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो पहले हम क्या करते हैं ये व्यू फुट नोट एरिया इसको देखते हैं कि कौन से कहाँ पे आया एरिया, तो यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो अपने आप ही हमारा जो ये कर्सर है वहाँ पे चला जाएगा फुट नोट के ऊपर, ये हमारी फुट नोट है, तो फुट नोट एरिया के ऊपर ये अपने आप ही चला जाएगा। अब अगर हमें चाहिए कि हमारा जो एंड नोट एरिया है वो कौन सा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे शो नोट्स, शो नोट्स के बाद हम क्या करेंगे ये देखो शो नोट्स, इसके बाद हम ये जाएंगे सेकंड ऑप्शन के ऊपर व्यू एंड नोट एरिया, कि जो एंड नोट एरिया मतलब जो पेज का लास्ट का है जहाँ पे हमने मीनिंग लिखे हुआ है डॉक्यूमेंट का लास्ट का पेज जो है उसको बोला जाता है एंड नोट, तो उसमें कौन सी मीनिंग है वो ये बताएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने ओके किया, ओके करते ही हमारे पास एंड नोट एरिया आ जाएगा। तो इस प्रकार हम फुट नोट एरिया और एंड नोट एरिया ये चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने रिफ्रेंस टैब के फुट नोट के बारे में, इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट और शो नोट्स के बारे में जाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।